श्री जगन्नाथ भगवान के परम भक्त हुए श्री माधवदास जी, क्या नाम था? तो माधवदास जी को एक बार पेट का रोग हो गया, और ऐसा भयानक रोग कि महाराज कुछ भी पानी भी पिए तो रुके ना, बार बार शौच के लिए उनको जाना पड़ता था। लेकिन वो इतने बड़े भक्त थे ठाकुर जी के, श्री जगन्नाथ भगवान अपनी ब्रह्म वेदी पर झूमते थे, जैसे ही माधवदास दर्शन करने आता जगन्नाथ भगवान ऐसे होते, माधवदास को देख करके आनंदित हो जाते, इतने बड़े भक्त माधवदास। और उनको एक रोग हो गया जिसके कारण उनको बार बार शौचालय जाना पड़ता, और शौच जाने की वजह से वो मंदिर नहीं जा पाते। रोग इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब माधवदास जी उठ भी नहीं पाते, बिस्तर पर पड़े पड़े ही शौच निवृत्त होने लगे। ठाकुर जी को दया आ गई, और ठाकुर जी को दया आई तो ठाकुर जी रूप बदल करके एक छोटे से बालक बनकर के आए और माधवदास जी की सेवा करने लगे। उनके मल मूत्र से सने वस्त्रों को ले जावे और ले जाके धोवें, धोकर के सुखा दें, जल लेकर के आवे जल पिला दें, जो उनके अनुकूल भोजन होना चाहिए वो बना करके उनको पवावें, उनके चरण दबावें, बुखार चढ़ियावे तो सिर पर पट्टी रखें। माधवदास जी दो तीन दिन तक तो बेहोशी से में ही थे, उनको पता ही नहीं कौन कर रहा है सब। पर दो तीन दिन बाद जब थोड़ी चेतना जगी तो उन्होंने ठाकुर जी के रूप को देखा, रूप देखते ही पहचान गए, बोले कि ये छग्न वेश में ठाकुर जी हैं। हाथ पकड़ लिया, बोले क्या कर रहे हो आप? आपकी सेवा कर रहा हूं। बोले मैं जानता हूं आप साक्षात जगन्नाथ जी हो। जैसे कि जगन्नाथ जी तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले माधवदास जी आप पहचान गए? बोले कि आप भक्त से बच नहीं सकते। बोले अब ठीक है, तुमने मेरी इतनी सेवा की, भक्तजन मेरी इतनी सेवा करते, भक्त के जीवन में पीड़ा है तो मैं भी तो सेवा कर सकता हूं ना। तो माधवदास जी कहते हैं, बोले ठाकुर जी आप सेवा करने आ गए, मेरी सनी हुई धोती धोने आ गए, मुझको भोजन खवाने आ गए, आप तो परमात्मा हो, चुटकी बजाओ मेरी पीड़ा दूर कर दो, आप तो परमात्मा हो, मेरे सिर पे हाथ फेर दो, पेट पे हाथ फेर दो, मेरी जो जो पीड़ाएं हैं सब खत्म कर दो। तब श्री जगन्नाथ भगवान कहते, नहीं माधवदास, ये तुम अपना प्रारब्ध भोग रहे हो, किसी जन्म का कभी का कोई दुष्कर्म है तुम्हारा, जो तुमको निवृत्त उसको यहीं तुमको निपटा करके जाना पड़ेगा। अगर मैंने इसको यहीं रोक दिया, तुमको स्वस्थ कर दिया, तुमको मंगल कर दिया, तुम बिल्कुल उचित हो गए, तो जितना प्रारब्ध बचा है उसको भोगने के लिए तुमको फिर जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए इससे निवृत्त हो लो, इसको भोग लो। हाँ, मेरा आश्रय लेकर के भोगोगे, मेरा नाम जप करके भोगोगे, तो जो 5 साल में खत्म होगा वो 5 महीने में खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी भोगवा दूंगा। एक प्रकार से जिस कार्य को होने में 5 वर्ष लगते हैं, ठाकुर जी का नाम आश्रय करने से, ठाकुर जी की शरणागति ले देने से, ठाकुर जी का नित्य दर्शन नित्य कथा श्रवण करके अपने मन बुद्धि चित्त और अपने व्यवहार को सुधारने से ठाकुर जी को इंडिकेशन मिल जाता, अब ये सुधर रहा है, अब इसने दूषित कर्म त्याग दिए हैं, अब ये सही मार्ग पर चल रहा है, तो ठाकुर जी बस इतनी आज्ञा कर देते हैं प्रारब्धों को कि अब इसके जीवन में 5 वर्ष नहीं 5 महीना लगाओ, बस 5 महीना में सब खत्म करो जितना भगवान है इसको। इसलिए कई बार देखा जाता है अधिकतर भक्त वैष्णव उसके जीवन में कष्ट आएगा ही आएगा, नाम जापक हो, कथा श्रवण करने वाला हो, कथा करने वाला हो, कष्ट आएगा, दिखेगा नहीं, दिखेगा वो प्रसन्न नहीं, पर उसके जीवन में कष्ट है, वो भोग रहा है, वो निवृत्त हो रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करूं भैया, नाम जप करो, ठाकुर जी की कथा सुनो, और कहीं अंतिम श्वास निकल गई और वहां से पहले अपने दूषित विचार, दूषित व्यवहार, दूषित स्वभाव को नहीं सुधार पाए तो बहुत पछताओगे, पहले ही सुधार लो। कथा हम सबको चुनती है, किसी व्यक्ति विशेष के धन लगाने से, किसी व्यक्ति विशेष के पूरे व्यवस्था करने से कथा होती है, पर मूल रूप से जो जो कथा में आए सब चुने गए हैं। ठाकुर जी इनको मौका दे रहे हैं कि भाई तुम 7 दिना कथा सुन के नेक और सवर जाओ, नेक संभल जाओ, नेक सुधर जाओ। लाखों करोड़ों लोग बाहर से निकल जाएंगे, नहीं आएंगे,
वही आएंगे जो चुने गए ठाकुर जी के द्वारा, क्योंकि ठाकुर जी उनको अवसर दे रहे हैं। एक बार नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट सुनकर के अपनी 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 भावना को प्रकट करके नेक्स्ट सुधारो, संभल जाओ, अंतिम श्वास आए उससे पहले ठीक है लो। क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज्यादा आत्मग्लानी होती है जब वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है और अपने कई दोषों को सुधारने का सोचता रहा लेकिन सुधार नहीं पाया, और उसी आत्मग्लानी की वजह से ठाकुर जी उसको फिर भेजते हैं, जा अब इनको सुधार किया, लेकिन उनको तो क्या सुधारे, वो दूसरे फिर और बना लेता है नए। मैं एक बात कहता हूं कि हम सब हिसाब बराबर करने आए हैं पृथ्वी पर पुरानों तो बराबर कियो नहीं, या जन्म को नयो और बना लियो। तो हमारी जो हिसाबन की जो बैलेंस है ना, वो कम नहीं होता है, बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए भैया ये कथा जीवन में आई है, आप सब चुने गए हो, या कथा में नित्य एक आज्ञा तो आपको माननी ही माननी है, चाहे कोई भी एक आज्ञा का पालन करो। 4 घंटे बैठ करके कोई एक आज्ञा व्यासपीठ की ऐसी हो उसका पालन करना ही करना है आपको। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। कैसे श्री कृष्ण, जो 3 रूप 3 कर्म और 3 गुण वाले, ऐसे प्रभु को हम प्रणाम। कोई 3 से अभिप्राय नहीं, ठाकुर जी तो सर्वगुण संपन्न है, पर यहां पर हम आप सब की सुधार के लिए 3 3 3 का भाव बताया गया। यम प्रब्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरिवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तुष्मे। श्रीमद् भागवत जी के महात्म के द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी को वंदन किया गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सर्वभूत हृदय, अब देखो यहां पर एक बात है, सुखदेव जी जब जब लिया जाए नाम तो अधिकतर लोग सुखदेव जी को अन्य कोई मान लेते हैं, पर सर्वभूत हृदय सब नहीं, सब भगवान सबके, सब प्राणी मात्र के हृदय में कौन है? भगवान गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं ही सब प्राणी मात्र के हृदय में बैठा हूं। और वही उपमा श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी को दी जा रही है, सर्वभूत हृदय। तो इसका मतलब सुखदेव जी के रूप में ठाकुर जी आए कथा सुनाने के लिए। इसलिए हम भले ही भागवत जी के बगल में एक सुख पक्षी के रूप में सुखदेव जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, पर यह सुख पक्षी भगवत कथा गाने का कार्य कोई और नहीं कर सकता, स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं। इसलिए ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। अब कथा महात्म की हम थोड़ी बहुत सुनाएं, ध्यान पूर्वक सुनना। सौनकादि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे और मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते करते आप सबको सूत जी का दर्शन हुआ, तो आप सबने सूत जी के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हुए कहा, भगवान हम तो सोच रहे हैं यज्ञ से मानव कल्याण हो, पर यज्ञ से लगता नहीं कि मानव कल्याण होगा, कृपा करके श्रेयसाम यद् भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्वदाधुना। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कृष्ण की प्राप्ति का साधन हमको बताइए, भगवत प्राप्ति का साधन हमको बताइए। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए सब लोग। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पवित्र से पवित्र इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति कैसे कर सकता है मानव, क्योंकि मानव के पास समय नहीं है। इसलिए कृपा करके हमको भगवत प्राप्ति का साधन बताइए, कलिकाल में भगवत प्राप्ति कैसे मिल सकती है। तब
यहां से सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं और सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। एक प्रकार से बहुत ध्यान पूर्वक ये बात समझनी है, कलिकाल में यदि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत दर्शन करना है, भगवत अनुभव करना है, भगवत कृपा का अनुभव करना है, तो आप भागवत जी की सन्निधि लिए बिना उसको नहीं कर पाओगे। श्रीमद् भागवत जी आपको श्रवण तो करनी पड़ेंगे, चाहे सूरदास हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे हरिराम व्यास हो, स्वामी श्री हरदास जी महाराज हो, हितरवंश महाप्रभु हो, रैदास हो, कुंभनदास हो, सबने भागवत जी का आश्रय तो लिया ही लिया। नींव है भागवत जी, अगर नींव मजबूत ना हो तो बिल्डिंग गिर जाएगी। आप जप पर बहुत विश्वास करते हैं, तप पर विश्वास करते हैं, साधना पर विश्वास करते हैं, यज्ञ पर विश्वास करते हैं, पर सत्संग श्रवण में आपकी ज्यादा रुचि नहीं, कथा में आपकी रुचि नहीं, भागवत जी के प्रति वह भावना नहीं जो होनी चाहिए, तो निश्चित है भगवत प्राप्ति में बाधा बनेगी बनेगी। मतलब एक प्रकार से यह समझ लो, ईंट भी है आपके पास, पीओपी भी है, पेंट भी है, टेक्चर भी है, लाइट भी है, एसी भी है, पंखा भी, सीमेंट की व्यवस्था नहीं है, खड़ी तो हो जाएगी बिल्डिंग, नेक हवा को झोंका आए उस गिर जाएगी। तो मजबूती के लिए सीमेंट बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही आप नाम जप करो, नाम जप ईंट के समान है। ये सारी ईंटें हैं, नाम जप है, साधना है, व्रत है, अनुष्ठान है, यज्ञ है, ये सब ईंट हैं, पर इन सब के बीच में नेक नेक सीमेंट मतलब श्रीमद् भागवत रूपी सत्संग लगाते चलो तो मजबूती आएगी, नहीं तो ये कभी भी गिर सकते हैं। एक प्रचंड हवा को झोंका आयो नहीं कि महाराज सब व्यर्थ है जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। अब आजकल तो बहुत बातें कोड कर करके बोलना पड़ता है, कई लोग यूं सोचेंगे, बोले ये भागवत वक्ता हैं, अपनी कथा चलती रहे इसीलिए भागवत जी कोई प्रधान बता रहे हैं, भागवत जी कोई सर्वस्व, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई भावना ही नहीं है। आप आज कथा सुनो, कल से बिल्कुल मत सुनियो, सात दिना सुन लो, बाकी बात बिल्कुल मत सुनियो, केवल श्रीमद् भागवत जी को घर में विराजमान कर लियो और नित्य भागवत जी का दर्शन कर लेना, केवल इतना आश्रय भी भागवत जी का ले लिया तो भी भागवत जी कल्याण करेंगे, बिल्कुल मत सुनो। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। आप द्वारिकाधीश मंदिर के सामने से आज पोथी नहीं लेके आए हैं, ग्रंथ नहीं लेके आए हैं, कोई किताब नहीं लेके आए हैं, आप द्वारिकाधीश मंदिर से द्वारिकाधीश जी को ही लेकर के आए हैं। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण हैं, और ये विश्वास जब तक आपके चित्त में नहीं बैठेगा तब तक कथा कितनी सुनाता रहूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साक्षात श्री कृष्ण है भागवत। बस अंतर इतना है, किसी मूर्तिकार की स्पेशलिटी थी तो उसने मार्बल के बनाए, किसी ने अष्ट धातु के बनाए, कोई ने चांदी के बनाए, कोई ने सोने के बनाए, पर हमारे हमारी भारत भूमि पर प्रकट भए भगवान श्री वेदव्यास जी ने शब्द की मूर्ति बनाई, श्रीमद् भागवत भगवान की शब्दमय मूर्ति। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, बोले लाला कोई यदि भागवत जी के श्लोक गावे और श्लोक गाते गाते त्रुटि कर दे ना, तो वह त्रुटि को पाप कहा लगे। मैंने कि कहा पाप लगे नाना जी, बोले जैसे एक रोया खींचवे पर जो कष्ट होवे ऐसे लाल जी को कष्ट होवे। अगर कोई भागवत जी को गलत श्लोक उच्चारण करे तो ठाकुर जी को ऐसे कष्ट होवे जैसे कोई रोया खींच लिए हो। जैसे मानव शरीर में प्रत्येक रोए हैं, ऐसी भागवत जी का प्रत्येक श्लोक भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग का एक एक रोआ है।
हम तो लोगों से कथा में ये तक कहते हैं, कोई से मत को कथा सुनवे जा रहे हैं, भागवत सुनवे जा रहे हैं, प्रवचन सुनवे जा रहे हैं। कोई पूछे तो यही उत्तर दो, बोले कहाँ जा रहे हो, कृष्ण को सुनने जा रहे हैं, कृष्ण को उतारवे जा रहे हैं, कृष्ण को ध्यान धरवे जा रहे हैं। श्रीमद भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण है। सूत जी महाराज कहते हैं इस कलिकाल में यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो भागवत जी का आश्रय लो, और भागवत जी का आश्रय लेने का मतलब सुनना भी नहीं है, भागवत जी का आश्रय मतलब चित्त में उतारना, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना। अब यहां से जाते ही अब आपकी दिनचर्या में आने लगे कि जो व्यास जी कह रहे हैं, जो कथा में सुन के आए, वो अब घट रहा है, वो आप अपनी दिनचर्या में ला रहे हो। और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, कोई उपयोगिता नहीं होगी कथा सुनने की। सूत जी कहते हैं कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा, तब सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज जी जरा भागवत जी का महात्म्य बताना, ऐसा क्या है भागवत जी में जिससे कलयुग में भगवत प्राप्ति हो जाती है। तब सूत जी महाराज बताते हैं, बोले भैया एक बार की बात है, सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, परीक्षित बैठ करके सुन रहे थे, तभी देवताओं ने मन में विचार किया कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अगर परीक्षित को हम अमृत पिला दें स्वर्ग का और उसके बदले हम कथा सुन लें, तो देवता सब अमृत कलश लेकर के कथा में आए और व्यास मंच पर बैठे सुखदेव जी से प्रार्थना की कि सुखदेव जी आप परीक्षित को कथा ना सुना के कथा हमको सुना दो, परीक्षित को 7 दिन में मर जाना, इसको अमृत पिला देते, नहीं मरेगा। तब व्यास मंच पर बैठे सुखदेव जी कहते हैं क्वस्वधात्व कथा लोके त्वकाच मणिर्महान ब्रह्मरात्रो विचारेवम् तदा देवांजहासः। भैया कम से कम मोल तो सामान्य वस्तु का करो, सम वस्तु का करो, कांच देकर के हीरा मांग रहे हो, ये विचार कर रहे हो कि हम कांच दिया में बदले में हमको हीरा मिल जाए। अरे सुनार के पास चले गए तो मार पीट के भगा देगो, कांच के बदले हीरा चाहिए। हाँ कोई बहुत महंगी मणि रत्न हो, वाके बदले हीरा लियो जा सके, 1-2 हीरा ले लो कोई रत्न देख करके, तो कांच देख के मणि कौन लेवे, कांच देख करके हीरा कौन लेवे। आप ये स्वर्ग का अमृत लेकर के आ गए और इसके बदले कथम, स्वर्ग के अमृत को भी सामान्य मत जानिएगा आप लोग, स्वर्ग का अमृत सामान्य नहीं है। 33 कोटि देवता और असंख्य राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन करके स्वर्ग अमृत को प्रकट किया, सबको कथा पता, 14 रत्न निकले उन्हीं में ही अमृत निकला। जिस अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं ने यत्न किए हो, जिस अमृत की प्राप्ति के लिए वासुकी नाग को रस्सी बनाया हो, जिस अमृत की प्राप्ति के लिए मंदिराचल पर्वत को भगवान कच्छप बन के, भगवान कछुआ बन करके अपनी पीठ पे मंदराचल पर्वत धारण करते हैं, तब उसका मंथन होता है। और मंथन होके पहले अनेक रत्न निकले, वाके बाद अंत में अमृत निकला, इतना महंगा रत्न है अमृत। वो अमृत कलश लेकर के कथा में आ गए देवता और व्यास मंच पर बैठे श्री सुखदेव जी कहते हैं वह कांच को मणिर महान, आप कांच लेकर के आए हो मणि लेने के लिए, लौट जाओ यहां से वापस, कांच के बदले कथा नहीं मिलेगी, अमृत के बदले कथा नहीं मिलेगी। सोचो हमें ऐसी मिल जावे, राह चलती कथा में आ जावे। देवताओं को 2 चीज दुर्लभ है, पहली तो भागवत की कथा और दूसरी सक्रम तक्रश्च दुर्लभ, छाछ। हम सब पीवे छाछ मठा दही, देवताओं को पीवे को ना मिले, क्यों? उसके पीछे भी साइंटिफिक एक बात है कि स्वर्ग का नियम है कि स्वर्ग में कोई भी चीज बासी नहीं होती, स्वर्ग में 12 महीना 24 घंटा फ्रिज रहता ही रहता है, वहां पे कोई चीज बासी नहीं होती, वहां सब चीज नवीन बनी रहती है। और जब तक दूध नेक बासो नहीं हो तो दही कैसे बने, और वहां में नेक
वो सब सामग्री नहीं डाली जाए तो दही कैसे बने, और फिर बात वो छाछ कैसे बने। इसलिए देवताओं को कहते हैं, शास्त्र आज्ञा करते हैं, विनोद में कहते हैं, बोले कि देवताओं को तक्र शुद्ध तक्र कहते हैं, छाछ को तक्र नहीं मिलती शक्र को पीने के लिए। और भागवत की कथा ये भी देवताओं को सुलभ नहीं, हमको सुलभ है। सौन का ऋषियों ने कहा, भगवान इतनी बड़ी महिमा भागवत जी की, कृपा करके हमें बताएंगे भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई। तब सूत जी महाराज बताते, बोले एक बार की बात है, नारद जी भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चार भगवान के प्रथम अवतार हैं। ये चारों एक ही आयु के चार पांच वर्ष के बालक के समान रहते हैं, भगवान के प्रथम अवतार माने जाते हैं। सूक्ष्म में इनको कहा जाता है सनत कुमार। क्या कहते हैं? सनत कुमार। कभी कोई कहे हमारे भगवान का प्रथम अवतार कौन, तो सनत कुमार। तो नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए, सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, बोले नारद जी चेहरा से बड़े दुखी से लग रहे हो, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश चिंता तुरु भवान, आपके मुखमंडल पर चिंता का दर्शन हो रहा है, क्या बात है। नारद जी बोले क्या बताऊं महाराज, मैंने पृथ्वी को बहुत अच्छा समझा था, पृथ्वी की बड़ी महिमा सुनी थी, पर पृथ्वी पर जाके देखा तो नाम बड़े दर्शन छोटे, सब कुछ उल्टा पुल्टा है पृथ्वी पर। और यहां नारद जी पूरी भूमिका बताते हैं पृथ्वी पर उन्होंने क्या देखा। अब इसको ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, हम सब जो देख रहे हैं वही सब नारद जी ने देखा। और नारद जी ने देख करके कहा कि महाराज मेरा मन बड़ा व्यथित हो गया है कि पृथ्वी ऐसी क्यों है, पृथ्वी के लोग ऐसे क्यों हैं। लेकिन तभी सब जगह भ्रमण करता 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 जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा, वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा। सनत कुमार बोले क्या देखा, बोले यमुना जी के तट पर एक परम सुंदरी युवती बैठी है और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी सफेद सफेद बाल, वृद्धावस्था के दो महापुरुष। एक युवा कन्या की गोद में वृद्धों को लेटा देख मुझे बड़ी अटपटाहट हुई चित्त में। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो देवी और ये दोनों कौन हैं? तब उसने अपना परिचय दिया कि अहम भक्ति रतिख्याता इमो मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामनु काल योगे नजर जरो, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। महाराज भक्ति तो आज भी युवा है, क्यों? सबके चित्त में है, सब करते हैं भक्ति। लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं, क्योंकि वृद्ध क्या आजकल तो पता नहीं बहुत बहुत गंभीर अवस्था में होंगे ज्ञान और वैराग्य। आजकल तो बहुत विचित्र माहौल चल रहा है, ज्ञान किसी को चाहिए ही नहीं, वैराग्य की तो बात पूछो ही मत। भक्ति महारानी कहती है ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, कलयुग के प्रभाव के कारण दोनों वृद्ध हो गए हैं। एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ज्ञान और वैराग्य का मतलब क्या होता है। अभी आपसे पूछा जाए ज्ञान मतलब क्या, तो आप लोग यही कहोगे कि बहुत कुछ पता होना, इसी को ज्ञान कहते हैं। वैराग्य का मतलब क्या, सब कुछ छोड़ देना, ये वैराग्य, ये तो बाह्य बात पता है आपको। पर ज्ञान और वैराग्य का मूल रूप ये नहीं है। ज्ञान क्या है, सही और गलत की पहचान, ये ज्ञान है। जैसे छोटा बालक 500 का नोट दो खा जाएगा फाड़ देगा, उसको हम क्या कहते हैं, अबोध बालक, अभी उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन जैसे वो बड़ा होगा, बड़े होते ही उसको पता चल जाएगा, ओहो इसको देने से चीज ही मिलती है, आपने जैसे दिया सुखा करेगा जेब में धर लेगा या माँ को जाके दे देगा, बच्चे गुल्लक रखते उसमें डाल देगा, ये उसको क्या हो गया, ज्ञान। सही और गलत का बोध, उसको ज्ञान कहते हैं। बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं होता। रावण बहुत विद्वान था, सब जानता था, सारे शास्त्र पढ़ रखे थे उसने, वैयाकरण था,
खूब सुंदर सुंदर श्लोक बना बना करके गाता था, पर मुझे सीता जी का हरण करना नहीं चाहिए, मुझे मुझे अन्य की कन्या पर, अन्य की स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, ये बोध नहीं था तो क्या काय बात का ज्ञानी था वो। माहौल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बातें बोलने वाला व्यक्ति उसको ज्ञानी कहा जाता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने वाला व्यक्ति उसको ज्ञानी कहा जाता है। कई लोग होते हैं, अब उनके ईगो पे कोई बात आ जाए तो माहौल नहीं देखते, ये नहीं देखते कि मेरे बड़े खड़े हैं, ये नहीं देखते कि समाज देख रहा है, ये नहीं देखते कि अरे भाई यहां मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए, फिर भी लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, घूसा करेंगे और एक दूसरे को उठाक फेंक देंगे। उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ये महा पढ़ा लिखा गंवार, अज्ञानी, ज्ञान नहीं है इसको, इतना विवेक नहीं है। अभी मैं कहां से कहीं से आ रहा था तो फ्लाइट में एक घटना घटी, और घटना कैसी थी सुनो, जैसे हवाई जहाज दिल्ली पहुंचा तो सब लोग उठ करके अपना अपना सामान निकाल रहे थे, ऊपर से एक व्यक्ति लंबा खड़ा था, उसके बगल में एक व्यक्ति बिल्कुल ही नाटा था, तो जो कम हाइट वाला व्यक्ति था वो लंबे व्यक्ति से कह रहा था मेरा सामान उतार दो। अब लंबा व्यक्ति जो था वो पहले अपना सामान उतार रहा था, तो वो बार बार नीचे से कह, ए मेरा उतार दो भैया, थोड़ी हेल्प कर दो। अब वो लंबा व्यक्ति उससे कहता जा रहा है पहले अपना तो उतार लूं मैं, अपने अपने उतारता गया। अब छोटे व्यक्ति ने, बड़े विचित्र आदमी हो, अब तो मैं तो विचित्र बोल रहा हूं, उसने तो कुछ और ही बोला था, बड़े विचित्र आदमी हो। तो लंबे वाले ने क्या किया, उसका सामान उतारा और जहां से नीचे आना चाहिए वहीं छोड़ दिया, मतलब उसके सिर पे आके गिरा वो जो नाटा व्यक्ति था। इस बात पर इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई महाराज, एक दो एयर होस्टेस दब गई नीचे, दो चार पैसेंजरों पे फेंक दिए उठा उठा के, और तू मुझे बाहर मिल तुझे बताता हूं मैं। वो छोटा वाला व्यक्ति जो था वो कुर्सी पर चढ़ चढ़ के मारे उसको, हम देखें। अब वहां सब बैठ, सब खड़े लोग क्या कह रहे थे, क्या पागल आदमी है, क्या बिल्कुल इनको कुछ पता ही नहीं, क्या कहां, क्या इतनी सी बात पर ये सब होना चाहिए। उस समय क्या आया मन में, परिस्थिति के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, समाज के अनुसार अनुकूलता ना देखते हुए भी क्रोध कर रहा है, यही अज्ञानी व्यक्ति है। और निश्चित स्टैंप लगा के दे सकता हूं कि वो व्यक्ति निश्चित सत्संग कभी किए ही नहीं होंगे उन्होंने, इसीलिए ऐसा टेम्पर है उनका। सत्संगी व्यक्ति को इतना बोध होने लग जाता है, इतना पता लगने लग जाता है कि भाई मुझे कहां, किस प्रकार, किस भाव से कैसे प्रेजेंट करना है खुद को, उसको ज्ञान कहते हैं। बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं होता, इसे कहते हैं ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होना, सही गलत की पहचान होना। और वैराग्य किसको कहते हैं, सब लोग बहुत सावधानी से सुनो, घर परिवार पत्नी बच्चे सबको छोड़ छाड़ के चले गए, वैराग्य नहीं, सबके साथ रहते हैं पर विषय सामने आने पर भी मन ना मचलना, उसको वैराग्य कहते हैं। वस्तु सामने है आप भोग सकते हो, विषय सामने है आप उसका उपभोग कर सकते हैं, पर विषय सामने होने पर भी उसका उपभोग ना करना, भोगना ना, उस विषय में ना पड़ना, अपने मन को वशीकृत करके कैसे भी रोक लेना, इसको वैराग्य कहते हैं। असंख्य भोग की वस्तु सामने है लेकिन आप अपने पर वश करके बैठे हैं कि नहीं मैं नहीं भोगूंगा, ये विषय वासनाओं के लिए मैं नहीं आया हूं, कैसे भी करके मैं खुद को रोकूंगा, मेरी कुल की मर्यादा, अरे कुल की मर्यादा भी नहीं तो मैं एक मानव हूं, मानव हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी जो मेरे सामने आएगा मैं उसको भोगूंगा, नहीं मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता, इसको कहते हैं वैराग्य। क्यों पी ली तुमने, अब सामने रखी थी क्या करते, ये वैराग्य नहीं। तुमने क्यों खाया वो मांस,
अब महाराज जी क्या बताएं, ऑफिस में सब खाते हैं, नहीं खाओ तो मुंह बनाते हैं, क्या करें, खा लिया। ये कैसा वैराग्य। देखिए एक बात सदैव याद रखिएगा, परिस्थिति के अनुसार आपको नहीं होना है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपके अनुसार परिस्थिति बने, आपके अनुसार माहौल बने।